हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रीक सलाद बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। ग्रीक सलाद हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा और रेसिपी अगर अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। ग्रीक सलाद बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लिए। इसके अंदर देखिए, मैंने यहाँ पर कुकुम्बर, टोमेटो, रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम, ऑनियन, आइसबर्ग लेट्यूस और ग्रीन रोमन लेट्यूस लिए है। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे। ग्रीक सलाद के लिए जो हम हमेशा वेजिटेबल्स की कटिंग करते हैं वो कटिंग हमेशा मोटी मोटी कटिंग रहती है, यानी मोटी डाइस कटिंग कट करेंगे हम। सबसे पहले आइसबर्ग लेट्यूस, ग्रीक सलाद के अंदर आइसबर्ग लेट्यूस की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर मैंने 4 लीव निकाल लिए और आप चाहे तो नाइफ से इसे कट कर सकते हैं या आप चाहे तो हाथ से भी वर्बली इसे तोड़ के कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह। बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसबर्ग लेट्यूस को इसी तरह मोटा मोटा तोड़ दिया हमने, एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और ग्रीन रोमन लेट्यूस को भी वर्बली मोटा मोटा कट कर लेंगे। इसके बाद ऑनियन, ऑनियन को हम आराम से अंदर का जो पार्ट है इसे निकाल लेंगे और इसके बाद हल्के हल्के एक एक स्लाइस निकाल लेंगे। बस इसी तरह आपको भी निकालने का है। रेड कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम पूरा यूज नहीं करेंगे, रेड कैप्सिकम का 1/4 भाग यूज करेंगे और इसे भी मोटा मोटा कट कर देंगे। नॉर्मली हम जो चिली पनीर की कटिंग करते हैं ना, बस वैसे ही कटिंग आपको इसमें भी करनी है। ग्रीन कैप्सिकम को हम इसी हिसाब से हम कट कर लेंगे। बस येलो कैप्सिकम को मैंने ऐसे ही कट कर लिया। अब चलते हैं, यहाँ पर हम टोमेटो कट कर लेते हैं। टोमेटो को भी मोटा मोटा कट करना है आपको, बस यही कटिंग रखनी है। इसके अंदर के जो बीज होते हैं सीड्स को निकाल लेंगे और इसे भी कट करके बॉल के अंदर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर कुकुम्बर, कुकुम्बर को बीच में से 1/2 करेंगे और इसके बाद इस तरह मोटा मोटा कट कर लेंगे। बस ये देखिए, कुकुम्बर को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया। सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मोटा मोटा कट कर लिया। वेजिटेबल्स को एक बार पहले अच्छे से वॉश कर देना चाहिए, उसके बाद हम इसको आइस के पानी के अंदर डाल देंगे। आइस के पानी के अंदर डालना बहुत ही आवश्यक है, तब भी ये वेजिटेबल एकदम क्रिस्पी होती है। अगर आप चाहे तो सारे वेजिटेबल को नहीं डालकर सिर्फ लेट्यूस को डाल सकते हैं। आइसबर्ग लेट्यूस और ग्रीन लेट्यूस दोनों को डालकर 15 से 20 मिनट अगर रख लेते हैं तो आपकी लेट्यूस एकदम क्रंची हो जाएगी और वो क्रंचनेस इस सलाद के अंदर आना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, मैंने यहाँ पर आइस के पानी में डाल के सब वेजिटेबल को रख दिया। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर हम ड्रेसिंग के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है, साथ में यहाँ पर वाइट वेनेगर लिया है, लेमन जूस, सॉल्ट और ब्लैक पेपर लिया है। रेसिपी में भी आपको बता देता हूँ कितना कितना हम डालेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले एक खाली बाउल लेंगे, इसके अंदर एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल देंगे, साथ में यहाँ पर एक टेबल स्पून वेनेगर, वाइट वेनेगर और एक टेबल स्पून जितना लेमन जूस डाल देंगे। बस तीनों एक एक टेबल स्पून डालेंगे और इसे बढ़िया हाथ से पहले मैश कर लेंगे। इसी तरह मैश करना बहुत ही आवश्यक है ताकि ये सारा एकदम कॉम्बिनेशन इनका अच्छे से बैठ जाए और ड्रेसिंग हमारी बनके तैयार हो जाए। यहाँ पर हमें ये ड्रेसिंग को हाथ से मैश करना बहुत ही आवश्यक है, तभी ये अच्छे से मिक्स होगी, क्योंकि विस्कर इसके अंदर चलेगा नहीं और मिक्सी में ये काम करेगी नहीं। चलिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ ब्लैक पेपर पाउडर आधा छोटा चम्मच और नमक डाल देंगे हम, वाइट नमक आधा छोटा चम्मच या हम स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसे भी अच्छे से घुमाकर मिक्स कर देंगे। गाइज, ये तो ये हमारी वेनेगर ड्रेसिंग बनके तैयार है। अगर आपको वेनेगर ड्रेसिंग बनानी है तो आप भी इसी तरह वेनेगर की ड्रेसिंग बना सकते हैं। उसके बाद हम सारी सब्जियों को अच्छे से स्टैंड कर लेंगे, इनका सारा पानी जब निकल जाएगा तब हम इसे ड्रेसिंग के अंदर डाल देंगे और आराम से अच्छे से मिलाकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। बस आराम से हल्के हाथ से मिलाएंगे। ग्रीक सलाद के अंदर जो आइसबर्ग लेट्यूस है, आइसबर्ग लेट्यूस को चिल्ड वाटर के अंदर डालकर रखना बहुत ही अनिवार्य है, तब भी ये एकदम क्रंची बनती है और क्रंची पार्ट इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही अच्छी लगती है ये। हल्की सी हम इसके अंदर हनी ऐड कर लेंगे आधा छोटा चम्मच, बस बहुत हो गई। उसके बाद इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और हम इसे सर्व कर लेंगे। तो गाइस, ये थी आज की हमारी ग्रीन सलाद की रेसिपी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका जो है वो है फेटा चीज़। फेटा चीज़ करीब 50 ग्राम हमें इसके अंदर डालनी है। फेटा चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए हमने फेटा चीज़ नहीं डाली। अगर आप भी ग्रीन सलाद बना रहे हैं तो आपको फेटा चीज़ डालनी बहुत ही अनिवार्य है। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर